सब्सक्राइब कीजिए SR Time YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो मिल सके सबसे पहले। बॉलीवुड गलियारों से चौंकाने वाली खबर आई है। प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान की भारत छोड़ दी है। खबर की पुष्टि फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने की है। बता दें प्रियंका 2 साल बाद इस प्रोजेक्ट से बॉलीवुड में वापसी कर रही थी। अली अब्बास जफर ने ट्वीट कर लिखा, हाँ प्रियंका चोपड़ा अब भारत का हिस्सा नहीं है। उनके ऐसा करने की वजह काफी स्पेशल है। प्रियंका ने हमें अपना फैसला बहुत कम समय में बताया है और हम उनके लिए काफी खुश हैं। टीम भारत प्रियंका चोपड़ा को बहुत सारा प्यार और उनके लिए खुशी की दुआ करती है। मालूम हो कि फिल्म भारत के जरिए सलमान प्रियंका करीब 1 दशक बाद साथ काम करने जा रहे थे। अली अब्बास जफर के ट्वीट से इशारा होता है कि प्रियंका चोपड़ा निक से शादी करने वाली है। उन्होंने अपने ट्वीट की इस लाइन, She told us in the nick of time about her decision and we are very happy for her, में निक का नाम लिया है। वैसे भी अटकलें पहले से थी कि एक्ट्रेस अपने विदेशी बॉयफ्रेंड से शादी कर सकती है। हाल ही में प्रियंका ने निक को अपनी माँ और बाकी परिवार वालों से मिलवाया था। भारत छोड़ने को लेकर भी कई मीडिया रिपोर्टर्स में एक्ट्रेस की शादी का ही हवाला दिया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स का ये भी कहना है कि एक्ट्रेस ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर लिया है, उसकी वजह से वे भारत की शूटिंग करने में असमर्थ थी। खैर, वजह निक से शादी है या कुछ और, जल्द ही फैंस के सामने आ ही जाएगा। बताते चलते हैं कि सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग शुरू हो चुकी है। मूवी में सलमान के अलावा दिशा पाटनी, तब्बू भी काम कर रही है। वही प्रियंका ने भारत के अलावा सोनाली बोस की दी स्काइज पिंक भी साइन की है। इसमें उनके साथ जारा वसीम और फरहान अख्तर नजर आएंगे। अब एक्ट्रेस ये दूसरी फिल्म करती है या इसे भी छोड़ती है अभी साफ नहीं है।